वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ सैयद अदनानूर और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 105 का प्रोग्राम। जी हाँ, आज हमारे साथ मेहमान हैं मैडम राशिदा यकूब साहिबा, जंग से मेंबर्स वाइज असेंबली रह चुके हैं और अब आजकल फिर सियासी सरगर्मियों में बड़ी एक्टिव। तो इनसे जानते हैं कि क्या कभी इन्होंने सोचा था कि जंग की सियासत में ये भी आएंगी, क्योंकि इनसे पहले तो शेख यकूब साहब मौजूद थे, तो इन्होंने कभी सोचा भी होगा कि ये सियासत में आएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस सत्य आने का मौका दिया और मेरे लिए इनकी औनत की बात है। तो अभी आपने सवाल किया तो इसके बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने शायद कभी भी नहीं सोचा था पॉलिटिक्स में आना। इसको आप मेरी गुडलक कह सकते हैं, मेरे अल्लाह की करम नवाजी कह सकते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ये एक मौका दिया और मेरी अतलवसा कोशिश रही इस मौके को बहुत आसान तरीके से निभाने। तो पॉलिटिक्स में शेख साहब ऑलरेडी मौजूद थे मैम और वो बहुत अच्छा जो इंतकलब कर रहे थे। तो आप जब कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आप करें भी, लेकिन उनको चूँकि मैंने एक लंबे अरसे तक अपनी पॉलिटिक्स में जिस तरह उनको अपने आवाम के साथ और अपने रफाही कामों के साथ डेवलपमेंट के कामों के साथ उनको वर्क करते देखा, तो मैं बिहाइंड द कर्टन तो थी, स्क्रीन पर नहीं थी। उनके हर इलेक्शन में मैं पूरा प्रॉपर वर्क करती थी जो कि पब्लिक के सामने नहीं था, लेकिन मेरे जो ग्रुप के अंदर मैं अपनी जितनी इनपुट में दे सकती थी वो कंपेन में होती थी या किसी और मामला में वो मैं ज़रूरी बनती थी। इस तरह पता नहीं मेरे अल्लाह को मेरी क्या बात पसंद आई कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में आने का मौका दिया। और उसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये कि फर्स्ट टाइम आने वाला 6 डेज में इलेक्शन विन कर दिया अल्लाह ताला ने, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में एक खातून का इलेक्शन लड़ना और फिर उनको ये सीट शायद 35 ईयर्स में वो कभी लूज़ नहीं की थी, तो अल्लाह ताला ने उस पर मुझे जब ये कामयाबी नसीब की तो वो फिर मैंने उस कामयाबी का जो सेहरा था वो मेरी जंग की आवाम के सर था। तो मैंने दिन रात एक तक उस अपने मौके को लिया। एक हाउस वाइफ के लिए एक मुश्किल काम नहीं है कि एक सियासतदान के साथ रहना और फिर खुद सियासत में आ जाना, तो ये एक मुश्किल काम नहीं कि आप बच्चों को टाइम दें या मियाँ को टाइम दें या पब्लिक को टाइम दें, तो ये एक मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को इस फॉर्मेट पर बनाया है कि वो ज़िंदगी में जब उसको किसी भी काम के लिए मौका मिलता है तो वो उसको शायद एक मर्द की नस्बत भी बहुत अच्छे तरीके से उसको वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है, वो अपना दी गश्त देने की कोशिश करती है। शायद वो घर में क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र का होता है तो वो अपनी जो ऑर्गेनाइज़र की जो एक क्वालिटी उसके अंदर होती है तो फिर वो चीज़ों को मैनेज कर लेती है। तो बींग का एक पॉलिटिशियन की वाइफ होना किसी वक्त में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो आपका एक पर्सनल टाइम है वो आपका एक पार्टनर वो पब्लिक को दे रहा है। फोन पे फोन आ रहे हैं कि काम है ये है जी कोई शेख साहब रात, मुझे एक दो स्टोरी उन्होंने बताई कि रात 12-1 बजे भी उठ के जाना पड़ता है। बहुत आपने छोटी बात बताई है, 2-3 बजे की बात करें तो बहरहाल जब भी किसी की कॉल आती थी शेख साहब एक ऐसे लीडर थे वो नहीं थे कि रात को आप अपना फोन साइलेंट पर करके सो जाएं और पब्लिक आपका दरवाज़ा देखती रहे। ये 24/7 ऑनलाइन वाले पॉलिटिशियन थे। तो ये चीज़ें मैंने जब उस वक्त थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाते हैं उसी में फिर आप जीना सीख जाते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी की 2-3 प्रायोरिटीज़ थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो अपना घर था, अपने बच्चों की एजुकेशन थी, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग थी, और उसके लिए मैंने कभी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना भी मेरे पास किसी भी एक्टिविटी के लिए टाइम था तो मैंने उनको फिर अपने जो प्रायोरिटी वाले मकासद थे उनके लिए वक्त कर। कहा जाता है कि आप सियासत में हादसाती तौर पे, क्या शेख साहब भी आपकी ज़िंदगी में हादसाती तौर पे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। ये दोनों हादसे इतने खूबसूरत हैं कि इनको मैं हमेशा अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ। शेख साहब का मेरी ज़िंदगी में आना, मैं समझती हूँ कि जो जोड़े होते हैं वो आसमानों पर अल्लाह ताला की ज़ात उनको बनाती है। उस पर आप और मैं जितना भी सोच लें शायद वो हमारी सोच जो है वो एंड पे लाहासिल रहेगी। और जो जब आपके लिए अल्लाह ताला कुछ चीज़ चुन लेते हैं तो मेरे ख्याल है वो दी बेस्ट होती है। और वो हादसाती तौर पर
को आप नहीं कह सकते, वो अल्लाह की मेरे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग कह सकते हैं। जहाँ तक रहा पॉलिटिक्स का सवाल, पॉलिटिक्स में आप इसको हादसा के तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन हादसा भी मेरा अल्लाह ही करता है और कुछ हादसे बहुत प्यारे होते हैं। जी, यानी दोनों हादसे आपको पसंद? मुझे पसंद है। आपने कबूल किए दोनों हादसे? कबूल नहीं किए, मैंने उनको बहुत अच्छे तरह से वेलकम किया। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी ये करते हैं कि आपने सियासत में आए, आपके हस्बैंड भी सियासत में, शेख यकूब साहब, तो वो तो पार्टियां बदलते रहते हैं कि अब मैं काफ में जा रहा हूँ, मैं नून में जा रहा हूँ, मैं पीटीआई में जा रहा हूँ, तो ये आपसे मशवरा करते हैं या पार्टी बदल के खुद आ जाते हैं और कहते हैं आप भी इसी पार्टी में हैं जहाँ मैं हूँ? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरी पॉलिटिक्स जो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स है वो 2013 से ऑनवर्ड मैं उसमें आई हूँ। उससे पहले की जो शेख साहब की पॉलिटिक्स है, मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने आज तक जितनी भी पॉलिटिक की है, बास पॉलिटिशियंस को हम देखते हैं कि उनमें अपने जाती इंटरेस्ट ज़रूर होते हैं। वो कारोबारी भी हो सकते हैं, किसी और तरह से भी हो सकते हैं, कोई फेम के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन जो शेख साहब की पॉलिटिक्स थी वो इसलिए नहीं कि मेरे हस्बैंड, उसकी पॉलिटिक्स का जो महत्व मकसद था वो सिर्फ इस ढंग की जो पब्लिक है उसकी जो महरूमियत थी उसको ख़त्म करने का था। वो उन्हें उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि वो महरूमियाँ किसी भी पार्टी के प्लेटफॉर्म से दूर हो जाए तो वो उसी के साथ अटैच हो जाए। और उन्होंने वो फैसले जो भी किए वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए। मेरी जात चूँकि 2013 में, तो मुझे वो आप हादसा जो कहा तो ज़ाहिर है वही टिकट वही पार्टी, वो मुझे जब विरसे में मिली तो उसी से मैं इलेक्शन लड़ा और विन किया। दैन 2018 में आपको पता है कि झंकी पॉलिटिक्स कुछ दूसरे शहरों से, ज़िलों से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ मैं सॉरी आपकी बात काट के एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपका कोई ज़ाती सियासी आइडियल शख्सियत है कोई, जिसे आप कह सकें कि फलां आइडियल शख्सियत है? जैसे कि लोग कहते हैं कि फलां मुकर्रमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में लोग कहते हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है, तो इमरान खान के बारे में, तो आपकी ज्यादती क्या सोच है कि कौन सा आइडियल सियासतदान जो इसे आप पसंद करें? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने लोकल लेवल पे अगर बात करूँ तो लोकल लेवल पे जो मैंने पॉलिटिक्स देखी वो मैंने शेख मोहम्मद यकूब साहब की देखी, बहुत करीब से देखी, तो उनके काम करने का स्टाइल देखा, खलक का जो जज्बा था उसको अमली जामा पहनाते हुए देखा। जब ये चीज़ें बहुत करीब से देखने के बाद फिर आपके सामने आ जाते हैं आपके नेशनल लीडर्स, उनमें देखिए हमारे दो तीन बड़े बड़े नाम हैं जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पींगा खातून अगर देखा जाए तो आलम इस्लाम की जो एक नामवर शख्सियत पॉलिटिक्स में, और उनके काम करने का अंदाज़ और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और अपनी पॉलिटिक्स को लेके चली, वो मेरे ख्याल में उनको खराज तहसीन है। और उसके बाद जिस पार्टी से मैं वाबस्ता रही उसमें मेरा ख्याल है कि उनके जो लीडर थे पार्टीज के, आप उनको भी ऑब्जर्व करते हैं। और उसके बाद फिर मैं, मेरा ख्याल है मुझे हार्डली जो अभी तक का मौका मिला वो सिर्फ तीन साल की मेरी पॉलिटिक्स थी जो मुझे प्रैक्टिकल फॉर्म में मैंने परफॉर्म की, उसके बाद मेरा डिस्क्वालिफिकेशन जब हुई, तो उसके बाद 2018 का जो इलेक्शन आया, अब मैं बताया कि झंग की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट है दूसरे पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, झंग की सियासत इसमें जब तक कुछ नया ना हो मेरे ख्याल इसकी सियासत बनती ही नहीं। तो 2018 में फिर वही आपके सामने रहा कि हमें कहीं कोई इख्तलाफ कभी किया उस शेख साहब से कि सियासी इख्तलाफ हो जाए, घरों में चलते रहते हैं लेकिन सियासत में भी नहीं, शेख साहब ये काम ठीक है और यहाँ शेख साहब ने कहा नहीं ये करना है, तो यहाँ कभी कोई आपस में इख्तलाफ हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। शेख साहब की अजमत को मैं एक जगह पे सलाम पेश करती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में इलेक्ट हुई, जंग की जो हमारी कह लें कि जो माहौल रवायात है इसमें खतों को इतनी लिबर्टी नहीं दी जाती, लेकिन जब मैं इलेक्ट हुई तो मैं बहुत डरी हुई और मैं अपने जलसों में जब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा कि शेख साहब ने जंग की आवाम के लिए इतना काम किया है कि मेरा मुकाबला बजाय किसी और पॉलिटिशियन के मेरे अपने घर में पड़ गया कि इनसे बेहतर कि मैंने मेरे लिए अब ये
एक जंग और जहाद की तरह कि मैंने इनसे बेहतर परफॉर्म करना है। और जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दे दिया तो आप यकीन करें कि उन्होंने एक दिन भी किसी भी काम के लिए कभी मुझे फोर्सफुली नहीं कहा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये ऑनर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको दी है, ये आपका टेन्योर है, आपकी एम्प्लॉयशिप है, इसको आप अपनी समझ सलाहियत के मुताबिक जैसे चलाएंगी मैं आपके साथ कराऊंगा। आपने अपने सियासी दौर में जंग के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचा हो या बनाया हो जब आप एम पी रही हैं जिसे आप समझते हो कि बड़ा अच्छा काम मैंने जंग वालों के लिए किया, तो वो भी याद रखा? देखिए जी, किसी भी शहर के ना दो तीन बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जैसे एक एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ का सेक्टर हो गया, डेवलपमेंट्स हो गई, अमीरात जिसको आप कह सकते हैं। तो जब मैं इलेक्ट हुई तो मेरे दिल में ये था कि मैंने जंग के अंदर तलीम के मैदान में जो हमारे कमियां हैं ना, मिसिंग्स हैं, उनको मैंने ख़त्म कर दिया। तो मैंने वो स्कूल लेवल से स्टार्ट लिया कि जंग के अंदर मैं हमारा जंग है बेस्ड तीन छोटे छोटे इलाकों पे, लाइक सिटी, सेक्टर टाउन और सदर, वो छोटे छोटे तीन बेस्ड हैं। तो हर इलाके में 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या एक इलाके के अंदर रहने वाले जो वहाँ पब्लिक रह रही है वो स्कूल, वो कॉलेज, उन बच्चे और बच्चियों को उस इलाके के अंदर उनको मिलना उनका राइट नहीं था। तो मैंने इसकी सोच कर जब मैं चली तो मैंने कोशिश की कि उन्हीं इलाकों में उन स्कूल के बच्चों को प्राइमरी से लेके कॉलेज तक की फैसिलिटी उनको उनके ही सेक्टर में मिलनी चाहिए। उसके लिए जब मैंने काम किया तो आप देखें कि हमने सेक्रेट टाउन में एक लड़कियों का कॉलेज, जिसमें आज माशाल्लाह 2700-2800 बच्ची, जो बच्चियां मैट्रिक करने के बाद अपने घरों में बैठ जाती थी ड्यू टू नान उनकी जो पैसे नहीं होता था, उनकी सोच नहीं थी, रिक्शे का किराया नहीं था, मिडिल क्लास लोग वो अपनी बच्ची को, जवान बच्ची को 8-10 किलोमीटर के पास रहते भेजना अकेला मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल था। सो हमारी बच्चियाँ अनएजुकेटेड घरों में बैठ जाती थी। आज मैं माशाल्लाह उसी तरह फिर मैंने जो था सेक्रेट टाउन की बच्चियों, आप यकीन करें कि मेरे पास पूरी पब्लिक में से कभी कोई बंदा नहीं आया जिसने ये कहा कि हमें सेक्रेट टाउन के लिए कॉलेज चाहिए। ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल एक आवाम के लिए एक जज्बा था, सेक्रेट टाउन की बच्ची को उसके डोर स्टेप के ऊपर एजुकेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो अपने डिसक्वालीफाई होने तक लोगों के मंसूबे उनके टेनोर में स्टार्ट होते हैं और फिर पता नहीं वो कहाँ गुम हो जाते हैं, लेकिन वो मेरा मनसूबा मेरे 3 साल दौर के अंदर कम्प्लीट भी हुआ और ऑन गोइंग भी, यानी एजुकेशन पे आपका फोकस। और उसके बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जिंदगी की वो ये थी कि जंग के अंदर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और उस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर दिया। और मेरी सीएम साहब से जो भी मुलाकात होती थी, मैं जैसे एक अपनी आवाम के लिए इंसान किसी के आगे दामन फैलाता है, तो कभी मैं स्कूल मांगती थी, कभी मैं कॉलेज मांगती थी, कभी मैं यूनिवर्सिटी मांगती थी। तो एक दिन मैं गई तो मुझे सीएम साहब ने कहा, बीबी तू तो जैसे ले आनी है ना, तू तो अपने काम में लैके चंबड़ चुकी। तो मैंने कहा सर हम जो आवाम है वो हमें उन्होंने देखने के लिए मुझे नहीं किया, उन्होंने अपने जो दुखों के मदावा जो उनकी बेसिक्स नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें आपके पास यहाँ पे भेजा। तो जब वो मेरी यूनिवर्सिटी का मौका आया तो मुझे कहा गया कि आप अभी बताएं आपको फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस चाहिए या मुल्तान यूनिवर्सिटी का कैंपस चाहिए। आप बिलीव करें कि डीसी साहब के पास वो फाइल आ गई जिसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस मंजूरी के लिए पेपर आए। हमारे जितने भी उस वक्त के कोलीग्स थे सब ने उस पेपर पे सिग्नेचर किए। राष्ट्र यको पीपी 126 की आज भी अगर आपको कहीं फाइल मिले उसमें सिर्फ एक मैंने डिनाई किया और सीएम साहब को वो फाइल वापस चली गई। और जिस वक्त वो फाइल वापस गई तो हम उस कैंपस वाले जोन से निकल गए फिर प्रॉपर यूनिवर्सिटी के लिए। आप देखिए कि किसी भी घर की आप मिसाल ले लें, जब तब्दील करनी होती है तो सबसे पहले हम उसकी लैंड अक्वायर करते हैं। मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को सभी फ्लोर के ऊपर 2015 में
अप्रूव कराए, उसके बाद मैंने उसके लिए जो अगला स्टेप था वो था 2286 कनाल ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम मुंतकिल करवाई। उससे आगे चलते हुए फौरी तौर पर 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर नहीं सिर्फ हुई, वो मंजूर होकर फंड जारी होकर आपके फिनांस डिपार्टमेंट में आपके, और उसी के साथ मेरी बदकिस्मती के या जन की आवाम की हाथ लग गए कि मैं डी सीट हो गई। तो उसके बाद आने वाले नुमाइंदों ने जो उस फंड के साथ किया कि वो फंड बिना यूज़ हुए अपनी सिंडिकेट के, जब वो जिम्मेदारी थी मेरे से बात जो मौजूद नुमाइंदगान थे, ज़मीन भी वहीं पड़ी रहेगी और यूनिवर्सिटी और जो फंड थे वो वापस चले गए, और यूनिवर्सिटी जो थी वो यूनिवर्सिटी से कट कर आज एक कैंपस में तब्दील हो। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और इसी तरह सच्ची खरी और सीधी बातें मैडम राष्ट्रीय यूट्यूब साइबर से। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज हमारी मेहमान हैं मैडम राशिदा यकूब साहिबा, झंग से मेंबर्स वाइज असम्बली मुंतखब रही हैं। और आज इनसे ये पूछते हैं कि 12 रेस्टोरेंट में आके इन्हें कैसा लगा आज हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से और इसके रेस्टोरेंट के इन्वायरमेंट और टेस्ट के हवाले से। जी मैम, देखिए जी, झंग में बड़े अरसे से एक कमी थी कि यहाँ पे फूड के हवाले से तो टेस्ट के हवाले से तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन फूड में सिर्फ टेस्ट मैटर नहीं करता, उसका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में किस तरह का है, इंटीरियर क्या है। तो आज जो ये 12 का इजाफ़ा हमारे झंग की इस फूड चेन में हुआ है, तो इसमें ये मैं कहूँगी कि ये एक झंग वालों के लिए एक तोहफे की तरह ही है, और बहुत अच्छा मतलब कि ये एनवायरनमेंट है, इन्होंने बहुत इसको जो इंटीरियर को इस अंदाज़ में कि आपको यहाँ पे आके एक लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो टेस्ट
तो नहीं, टेस्ट तो खैर शायद बहुत सारी जगहों से बेहतर होगा। तो एक जो हमारा एनवायरनमेंट इन्होंने दिया है ना, तो वो आपके माइंड को, आपको कुछ लम्हों के लिए अपने तफक्करात और अपने जो इर्द गिर्द है उससे आप फ्री होकर और अच्छे माहौल में आके तो फ्रेश हो। ये तो हकीकत है कि जंग वालों के लिए ये एक तब्दीली थी। तब्दीली अच्छा थी। ये बात हो रही थी आपसे हम सियासी तब्दीलियों के हवाले से कि इस वक्त आपने बताया कि आपने एजुकेशन पर बड़ा फोकस रखा अपने जब आपके पास इक्तदार था, तो इस दौरान उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि हमें ये बताएं कि जंग के हालात तो आज भी वैसे मान है, इसकी सड़कें, इसकी गलियाँ, इसकी सीवरेज सिस्टम, तो ये तो ऐसे फ्लॉप हो चुका हुआ था, तो आपने इस पर कुछ किया? देखिए जी, जैसे अभी आप एजुकेशन की बात हम कर रहे थे, तो एजुकेशन में अगर मैं आपको तवातर के साथ बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी तो मेरा बहुत मुझे टाइम शायद उसको लग जाए। मैं आपको कट एंड शॉर्ट करूंगी कि मैंने एजुकेशन के सेक्टर में आप 2008 से 2016 तक हमारा ये एमपीएशिप का टेन्योर हस्बैंड वाइफ का है। मैं आपको चैलेंज से कह सकती हूं कि इस 2008 से पहले का जितना टेन्योर जो लोग और नुमाइंदा यहाँ पर रहे और 2016 से बाद के जो टाइम गुजरा है, मैं चैलेंज करती हूँ कि जितना काम 2008 से लेकर 2016 तक हम हस्बैंड वाइफ ने एजुकेशन सेक्टर में किया, वो ना उससे पहले हुआ ना वो उससे बाद हुआ। और उसी तरह जब आप उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं बात को कि आप बता रहे हैं कि मैंने इतना काम किया, लेकिन उसके बावजूद जब हम जंग के हालात और सूरत हाल को देखते हैं तो हमें कुछ विजिबिलिटी नज़र नहीं आती कि यहाँ क्या मेजर ऐसा हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती नजर, बल्कि सवाल तो ये बनता है कि कोई एक चीज़ बता दें जो यहाँ की ठीक हो। देखिए जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि किसी जगह पे आप जाते हैं वहाँ पे 70% काम हुआ होता है तो 30% करने वाला होता है, तो वो आप जब करते हैं तो वो 100% कम्प्लीट होता है तो उसकी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। समटाइम ये होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं तो उसमें 10 या 15% काम हुआ होता है और जितना टाइम आपको मिलता है जब आप उसमें वो चीज़ें ऐड करते हैं वो कंप्लीट तो नहीं होती लेकिन वो बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस 8 साल दौर में जो काम हमने किए उनमें सबसे बड़ा काम, आप देखें कि एक डोमिसाइल बनवाने के लिए जब सुबह एक आदमी घर से निकलता था वो 5 से 7 दफ्तरों में उसको जाना पड़ता था, शाम तक वो विदाउट डोमिसाइल का प्रोसीजर मुकम्मल किए वापस घर आ जाता था। एक एजुकेशन के ऑफिसर इधर बैठते थे, दूसरा सेक्रेटरी टाउन में होता था, तीसरा सिटी में होता था। इन शॉर्ट कि उन सब की जो ये ज़रूरत थी वो थी एक अंडर वन रूफ ऐसी हो जिसमें ये सारे ऑफिसर एक छत के तले बैठे। तो शेख साहब के टेन्योर में आपके जंग में शायद दूसरा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स था जो बनाया गया, ये पंजाब के अंदर शायद दूसरा था, एक किसी और शहर में बना था और ये सेकंड था। कहने का मतलब है कि अगर हम चीज़ों को देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखने में छोटी लग रही होंगी लेकिन उनका पब्लिक को फ़ायदा जो था वो बहुत बड़ा था। अच्छा, जंग की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या यहाँ शख्सियत की सियासत है, मजहबी है या फिर पार्टी सियासत है? देखिए जी, यहाँ पे जो हमारा जंग का ज़िला है ना, इसकी सियासत पंजाब से क्या पूरे पाकिस्तान में एक डिफरेंट टाइप की यहाँ पे पॉलिटिक्स है। लंबे अरसे तक यहाँ पे दो सियासी ग्रुप चलते रहे, सिपा और एंटी सिपा, और उससे पहले बडेराइज़म का दौर चलता रहा और जिसमें तो काम का तो खैर उनको था ही नहीं और एक बहुत ज़्यादा शहरी और देहाती वाला भी एक उसमें डिफरेंस रखा जाता था। तो वो मतलब कि टेन्योर, उस टेन्योर में भी हमारा जो जंग था वो मशीर भी बनते थे, वज़ीर भी बनते थे, बड़ी बड़ी हाईली सफ़ीर भी बनते थे, बट जंग की आवाम जो वोट दे के मुंतखब करके भेजती थी वो डे बाई डे नीचे ही उसका ग्राफ जाता था। तो बाकी जंग की सियासत में दो ग्रुपों का ज़्यादा सिपा और एंटी सिपा के तौर पे बात चलती थी जब भी चलती थी, लेकिन 2013 में जब शेख साहब ने अपनी फैसला किया एक ग्रुप के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने का, तो उसमें अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया, उसका उनका वो फैसला बड़ा कार आमद साबित हुआ। क्या मैडम राशिदा यकूब इलेक्शन में दोबारा आ रही हैं एक मजबूत मजहबी जमात के मुकाबले में, या फिर इत्तेहाद कर लेंगे किसी के साथ?
देखिए जी, सियासत एक ऐसी चीज़ है, इसमें कबल अज़ वक्त आप कोई ऐसा पेटेंट फैसला किसी को भी नहीं पकड़ा सकते या बता सकते, लेकिन जो इस वक्त हम जिस करंट सिनारियों में बैठे हैं, तो राशिदा यकूब इंशाअल्लाह ताला और शेख यकूब इंशाअल्लाह ताला एक मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ एक मजहबी जमात के सामने नहीं, उनके सामने जो भी कैंडिडेट आएगा इंशाअल्लाह ताला वो उसका मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया, और हमारी कोशिश रहेगी कि गहे बगैर आपसे रबता रहे और जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, इस पर भी आपसे गुफ्तगू के लिए टाइम लेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए, अलानी के बाद।